बिलारी नगर के मोहल्ला साहू कुंज में भगवान चित्रगुप्त के मंदिर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की एक बैठक का आयोजन किया गया। कायस्थ महासभा के तहसील अध्यक्ष अर्चित माथुर एवं नगर अध्यक्ष संजय सक्सेना को सभी चित्रांश बंधुओं ने फूल मालाएं पहनाकर एवं मिष्ठान खिलाकर बधाई दी। नगर पदाधिकारियों ने बोलते हुए कहा कि हमें जो पद मिला है हम उसका निष्ठा पूर्वक कार्य करेंगे और समाज को संगठित एवं आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मंडल अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने बोलते हुए कहा कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि नंदन सहाय जी के आह्वान पर बिलारी नगर के सभी सरकारी कार्यालय पर लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र लगाया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की मासिक बैठक माह के प्रथम रविवार को होगी। संगठन बहुत बढ़ चढ़ के काम करेगा, इस बात की भविष्य में उज्जवल कामना करता हूँ। और इस कामना के साथ आप लोगों ने जो एक वो चलाया है कि हाँ भी लाल बहादुर शास्त्री जी का फोटो अब तक नहीं लगा कार्यालय, ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविनंदन सहाय जी के निर्देशों के अनुपालन में, चूंकि वहाँ भी ये कार्यक्रम चल रहा है कि फोटो शास्त्री जी का गांधी जी के साथ अवश्य लगाया जाए, गजट में पास है ये चीज, और उस चीज़ को क्रियान्वित करने के लिए बिलारी का संगठन पूर्व में ही इस कोशिश कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को हम लेके आगे बढ़ें। इसमें प्रदेश अध्यक्ष की भी सहमति है, सभी की सहमति है, कोई असहमत तो है ही नहीं, कोई अधिकारी भी असहमत नहीं इस चीज़ से, लेकिन हम उनके निर्देशों का अनुपालन में इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं, अपनी सदगति प्राप्त करें। धन्यवाद। अपनी सभा का पूरी तरीके से विकास होगा, ऐसा नहीं कि ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनकी काफ़ी पहचान है, पहले से भी काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन जब आदमी के पास पद हो जाता है तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मेरा कहना ये, जैसे अभी आदेश जी ने कहा कि भाई संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो संगठन होता है। अगर हम आज एक दो महीने से ऐसा देख रहे हैं कि जो कि न्यूज़पेपर में भी काफ़ी कुछ आ रहा है, अच्छा आ रहा है, वो भी एक चर्चा का विषय बनता है, और जब आदमी चर्चा में होता है तभी कुछ होता है, और चर्चा उसी की होती है जो कुछ करता है, कमियां उसी में निकलती हैं जो कुछ करता है, जो कुछ करेगा ही नहीं तो उसमें कमियां कहां से आएंगी। तो कमियों की तरफ ध्यान न दिया जाए, और दोनों पद आपके इस बार बहुत अच्छे बन चुके हैं, थोड़ा संगठन में और भी आदमियों को जोड़ा जाए, ज़बरदस्ती वालों को नहीं, ऐसे आदमियों को जो स्वेच्छा से आते हैं और अपना पद का निर्वहन पूरी तरीके से कर सकें। गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूं, प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूं, यहां गिनाते हैं सब खूबियां अपनी, मैं वो शख्स हूँ जो सिर्फ अपनी कमियां तलाश करता हूँ। तो वास्तव में संजय सक्सेना जी का व्यक्तित्व और उनकी छवि ऐसी है कि वह अपने अंदर ही कमियां देखते हैं, दूसरे की कमियां नहीं देखते, दूसरे की हमेशा खूबियां देखते हैं, और अपनी कमियों को देखकर उनमें सुधार लाकर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, पूरे समाज को। और यही आशा और यही विश्वास मेरा इनसे है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा इनके नेतृत्व में और ज्यादा गति करेगी, प्रगति करेगी। बैठक में मुख्य रूप से कुलदीप सक्सेना, अर्चित माथुर, परमानंद सक्सेना, अक्षय भटनागर, पंकज सक्सेना, आशीष भटनागर, नरेश सक्सेना, अमित सक्सेना, नवदीप सक्सेना, मनोज सक्सेना, विकास सक्सेना, सौरभ सक्सेना, गौरव सक्सेना, आदेश सक्सेना, संजय सक्सेना, प्रदीप वर्मा आदि समाज के लोग मौजूद रहे। बिलारी से विशाल चंद्रा की रिपोर्ट। आज श्री चित्रगुप्त महाराज के मंदिर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे बड़े भाई श्री संजय सक्सेना जी को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया, और योगी सरकार के आदेश अनुसार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की हर ऑफिस में एक फ़ोटो लगाने का जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो आज उस विषय में भी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने एक बैठक की है कि हर ऑफिस में जाकर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की एक फ़ोटो हर ऑफिस में लगवाएगा, और गुजारिश करेगा कि हर ऑफिस में माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी की एक फ़ोटो लगाएगा।